यार तुम हर साल इस समाधि पर मुझे क्यों लेकर आती हो? आज तो अपनी शादी की सालगिरह है, हमें तो मंदिर पर जाना था और तुम मुझे इस समाधि पर लेकर आ गई। हाँ, मैं मंदिर बाद में जाऊंगी, लेकिन कुछ देर पहले मैं यहाँ पर रुकूंगी। ऐसा क्या है इस समाधि में जो भगवान के मंदिर जाने से पहले तुम यहाँ पर आती हो? ये उस मासूम बच्चे की कहानी है जिससे खून का रिश्ता ना होते हो भी ये मुझे अपनी बहन मानता था। इसने मेरे लिए वो किया जो शायद कभी मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं कर पाते। वैसे क्या करता था ये तुम्हारा भाई? ये अनाथ था, लोगों से रोटियां मांग मांग कर खाया करता था। क्या तुम मुझे एक अनाथ की समाधि पर लेकर आई हो? अनाथ बोलकर इसका अपमान मत करो। इसने मेरे लिए वो किया जो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये मेरी यादों में हमेशा रहेगा। इस अनाथ बच्चे ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। मंदिर जाने से पहले तुम मुझे यहाँ लेकर आई, इसकी क्या कहानी है जरा मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। हेलो, क्या कैसा कैसा हो सकता है? क्या हुआ पिताजी? बेटी, ये रिश्ता भी कैंसिल हो गया, लड़के वालों ने साफ मना कर दिया। तो फिर अब क्या होगा? पता नहीं बेटी, ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये सब हमने किया है बुड्ढे। जमींदार साहब आपने? लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ? तुझे हमसे कर्ज लिए हुए कितने टाइम हो गया और तूने अभी तक चुकाया नहीं है, इसलिए हमने तेरे साथ ऐसा किया। जमींदार साहब, वो कर्ज मैंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए लिया और मेरी बेटी की शादी अभी तक हुई नहीं है। जैसे ही इसकी शादी हो जाएगी मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। सुन बुड्ढे, इसकी शादी इस जन्म में तो हो नहीं पाएगी और हम इसकी शादी तक इंतजार नहीं कर सकते। तो आप ही बता दीजिए साहब मैं क्या करूं? देख, तेरे पास एक ही रास्ता है जिससे तेरी बेटी की शादी भी हो जाएगी और तेरा कर्ज भी माफ हो जाएगा। जमींदार साहब, अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता है तो इससे अच्छी क्या बात है? तो सुन बुड्ढे, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे जिससे तेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा और तेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हो साहब, आप तो पहले से ही शादीशुदा हो और एक बेटी भी है आप पे। तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं इसको भी रख लूंगा। जमींदार साहब, आपने हम गरीबों को समझ के रखा है? अपने पैरों की जूती, और जब यही जूती सर पे पड़ती है ना तो दिमाग ठिकाने आ जाता है, समझे? सुन बुड्ढे, ये तेरी लड़की क्या बोल रही है, हम में जूती मारने की बात कर रही है? जमींदार साहब, गलती आपकी है, आपको हमारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जैसी लड़की वैसा बाप, मैं भी देखता हूँ तू कैसे शादी करता है अपनी लड़की की। पूरी जिंदगी भर कुंवारा नहीं रहने दिया ना, तो मैं भी इस गांव का जमींदार नहीं। और सुन, पैसे जल्दी लौटा देना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पिताजी, खाना खा लीजिए, घर में आज 2 ही रोटी हैं। बेटी, 2 रोटी हैं तो इनको तू ही खा ले, मैं उधर काम पे जाऊंगा, वहीं खा लूंगा। पिताजी, ये रोटी आप खा लीजिए, अगर आप नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे? साहब, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी रोटी खाऊंगा। 1-8 टुकड़े रोटी का मुझे भी दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। लगता है बेटी ये बच्चा बहुत भूखा है। ठीक है पिताजी, आप ये रोटी इसे ही दे दीजिए। लाइए पिताजी, ये रोटी फिर मैं इसे खिला देती हूँ। ये ले भाई, तू खा ले। बेटी, मुझे एक बात की चिंता सता रही है, क्या वो जमींदार अपने वादे का पक्का है, वो तेरी शादी नहीं होने देगा? अरे पिताजी, आप क्यों चिंता करते हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आप ही के साथ रहूंगी। लेकिन मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा, मैं कब तक जिंदा बैठा रहूंगा? ऐसा मत बोलिए पिताजी। बेटी, ये सच्चाई है, अगर तेरा भाई होता तो मुझे कोई फिक्र ना होती, मेरे मरने के बाद तेरा कन्यादान करने वाला कोई नहीं है। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। दीदी, आप रो क्यों रही हो? आज से मुझे अपना भाई समझिए, मैं आपके भाई का फर्ज पूरा करूंगा। नहीं छोटू, तू अभी बच्चा है। बच्चा हूँ कि मैं आपका भाई बनने का काबिल नहीं हूँ? नहीं छोटू, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत गरीब हैं और हम तेरे ऊपर बोझ बनना नहीं चाहते, और तेरी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी भी जरूरत पड़े अपने भाई को याद कर लेना। जमींदार साहब, बोरा बुड्ढा।
नुवाई बुड्ढे, हमने सुना है कि तेरी बेटी की 4 दिन बाद शादी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने, और शादी में जरूर आना। बहुत तकड़ रही है लड़की, तेरी शादी में जरूर आऊंगा, लेकिन तेरी शादी कराने के लिए नहीं, तेरी शादी रुकवाने के लिए। उस दिन मैं ऐसा तहलका मचा दूंगा कि तुम देखकर हैरान हो जाओगे। सबके सामने दूल्हे को किडनैप करके ले जाऊंगा। नहीं जिम्मेदार साहब, ऐसा मत कीजिए, बरातियों के और रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। हमें बिना बताए अपनी बेटी का शादी का रास्ता तय कर दिया। मैं भी देखता हूँ तू अपनी बेटी की शादी कैसे करता है। जमींदार साहब, हम इस लड़की को ही उठा लेते हैं, जब ये बात दूल्हे के घर वालों को पता चलेगी तो वो बारात लेकर ही नहीं आएंगे। नहीं साहब, ऐसा मत करना। एक लड़की के बारे में तूने इतनी घटिया बात सोची भी कैसे? तेरी इस लड़की के हाथ बहुत चलते हैं, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं तेरे मेहमानों के सामने दूल्हे को नहीं, तेरी बेटी को उठा के लेके जाऊंगा मंडप से। जमींदार साहब, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं आपके पैसे दे दूंगा। पैसे देने के लिए तो तू अब भूल जा। अब तू ये सोच अपनी बेटी को कैसे बचाएगा मुझसे। क्या होगा पिताजी? कुछ नहीं होगा, आप अपनी बेटी की शादी कीजिए, आपकी बेटी की शादी होगी, ये मेरा वादा है। नहीं छोटे, जमींदार की पापा के सामने तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो वक्त बताएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपनी शादी कीजिए, मैं जमींदार को आपके घर तक पहुँचने ही नहीं दूंगा। गाड़ी क्यों रोक दी? जमींदार साहब, आगे एक बच्चा पड़ा हुआ है। तो चढ़ा दो ना उसके ऊपर गाड़ी, देखते क्या हो। जमींदार साहब, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर गाड़ी क्यों गंदी कर रहे हो? हम इसे एक साइड में फेंक देते हैं उठाकर। अरे इसने क्या फेंक दिया आंखों में जलन हो रही है। जमींदार साहब, लगता है इसने मिर्च फेंक दी हमारे आंखों में। साहब इसने अच्छे नहीं किया, हमें शादी में अर्जेंट पहुंचना है। अरे जमींदार साहब, वो चावले भाग गया, लगता है इसकी मौत आई है। पीछे करो इसका। जमींदार साहब, हमें ये शादी में जाने से रोक रहा है, हमें जबरदस्ती घुमा रहा है। साहब, हमें गाड़ी की चाबी नहीं मिली तो हम शादी में नहीं पहुंच पाएंगे। ये चाहता क्या है? अगर हम पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जल्दी देखो किधर है ये, क्यों ये हमारे रास्ते का कांटा बनकर अपनी मौत को बुलाना चाहता है। जल्दी चलो ढूंढो उसे। साहब, अब तो शाम हो गई, अब तो उस लड़की के फेरे भी हो गए होंगे। इस लड़के ने अच्छा नहीं किया अपने साथ। अगर कहीं मिल जाए तो सीधा गोली मार दो उसको। नहीं, हम उसे गोली नहीं मारेंगे, हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे ताकि उसको पता चल जाए कि जमींदार से टकराने का अंजाम क्या होता है। जमींदार साहब, वो रहा पेड़ पर, उतारो उसे नीचे और चटका दो इसकी सारी जिस्म की हड्डियां। नीचे उतर, वरना ही टपका दूंगा, आम की तरह छू जाएगा नीचे। आज पहली बार तेरी वजह से हम अपने मकसद में कामयाब होने से रह गए। साहब, आपका इरादा सही नहीं था, आप जो करने जा रहे थे वो गलत था। साहब, मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसकी शादी बिना दिक्कत के कराऊंगा। मैंने भी अपने आप से एक वादा किया है कि मैं तुझे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा देखने वालों की रूह भी कांप जाएगी। मारो उसे। चलो अब, ये खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगा। तो ये थी मेरे भाई की समाधि में दफन होने की कहानी। इसने मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक तरफ मेरी डोली उठ रही थी और एक तरफ मेरे भाई की अर्थी सज रही थी। सचमुच तुम्हारे ये भाई का बलिदान भूलने के लायक नहीं है। ये समाधि हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं तुझे बहुत दिनों से तलाश कर रहा था। मुझे कहीं से पता चला कि तू हर साल इस समाधि पर फूल चढ़ाने आती है, क्योंकि तुझसे पुराना हिसाब भी तो लेना था। कौन है ये आदमी? यही है वो जालिम इंसान जिन्होंने मेरे भाई को इतनी दर्दनाक मौत दी थी। इस समाधि के बगल में जो जगह खाली है वो कल से खाली नहीं रहेगी, क्योंकि इस जगह मैं तुम्हारी समाधि बना दूंगा। अब तो इस बात का कि तुम्हारी समाधि पर कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं होगा। बहुत अत्याचार कर लिए तूने जमींदार, कब तक तू भले लोगों की समाधि बनाता रहेगा? अच्छा हुआ तू खुद चलकर मेरे पास आ गया, अब मुझे उस बच्चे की मौत का बदला लेने में आसानी हो जाएगी। तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? टपका दो दोनों को। अरे वाह,
बहुत जान है तेरे हाथों में, मेरे दोनों आदमियों को मार दिया। आज मुझे पहली बार कोई टक्कर का मिला है। जमींदार, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी गन नीचे कर ले। चलो अब तुम यहाँ से, अब तुम्हारे भाई को इंसाफ मिल गया। हाँ, तुम ठीक कहते हो, अब जाके मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली। चलो।